ये वीडियो हरियाणा के आदमपुर का है, जहां उपचुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर यहां सभी सियासी पार्टियां चुनाव के प्रचार में जुटी हैं। इसी बीच जब हरियाणा की सरकार में सहयोगी जेजेपी पार्टी की ओर से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला चुनाव प्रचार में गए तो माहौल बदला सा नजर आया। इस वीडियो के देखने के अलावा अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको माजरा समझ में आ जाएगा। तो सुना आपने, दुष्यंत चौटाला ने जैसे ही अपना संबोधन शुरू करने की कोशिश की, उनके समर्थक सीएम आया के नारे लगाने लगे। दरअसल हिसार के आदमपुर उपचुनाव को लेकर बालसमंद में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जनसभा को संबोधित किया। दुष्यंत चौटाला ने अपने भाषण में जहां भव्य को जिताने की अपील की और वहीं सरकार की उपलब्धियां गिनाई। दुष्यंत चौटाला ने अपने भाषण में हिसार और आदमपुर के पुराने चुनाव में चौधरी भजनलाल परिवार की जीत और हार का भी जिक्र किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा पर भी कटाक्ष किया। आज आपके हाथ में समय, ये मौका है, सरकार में हिस्सेदारी डालो, इस गठबंधन को ताकत दो, 57 का ढावर बनाने का काम करो और मुमकिन जब भी होगा आगामी 3 तारीख को कमल का बटन दबाकर जेजेपी बीजेपी के गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करो। साथियों, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, आज आप सबने मिलकर ये निर्णय करना है। मैं देख रहा हूं बहुत से लोग यहां आ रहे हैं प्रचार में, इसको जिता दो, उसको जिता दो, इसको विधायक बना दो। मुझे एक चीज बताओ, 2 उपचुनाव हुए, एक कांग्रेस का साथी जीता, क्या हमारी सरकार हिली डिली? एक उपचुनाव हुआ, इंडियन नेशनल लोकदल जीती और उस समय लोगों ने कहा कि एक विधायक सरकार गिरा देगा। अहलाबाद के लोगों ने वहां एक बार कमी छोड़ दी। पर साथियों, मैं एक चीज आपको जरूर बोल सकता हूं कि हमने मजबूती के साथ, ये गुप्ता जी खड़े, इनको याद है जब हम सरकार में गए भूपेंद्र हुड्डा जी कहा करते थे 15 दिन में सरकार हिल जाएगी। उसके बाद कहा गया 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, साल में सरकार गिर जाएगी। आज उस चीज को 3 साल पूरे हो गए। ये तो थी चुनाव प्रचार की बात, लेकिन एक और बात गौर करने वाली है। दरअसल प्रदेश की राजनीति इतिहास में यह पहला मौका था जब आदमपुर उपचुनाव में चौधरी भजनलाल की तीसरी और चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी एक साथ मंच पर हो, क्योंकि हिसार की आदमपुर विधानसभा सीट का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रोचक भी है, क्योंकि इस सीट पर इन दोनों परिवारों की हमेशा चुनावी जंग चलती रही है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये दोनों परिवार एक साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।